उसकी हर चट्टान एक कहानी है, जो त्रेता युग से चली और कलयुग में एक चमत्कार बनकर विज्ञान को ललकारने लगी। जैसे वो खंबा जिसका जमीन से कोई ताल्लुक नहीं। जो हवा में ऐसे झूल रहा है जैसे कोई नर्तक अपना पैर उठाए हुए हो। उस खंबे और जमीन के बीच ही छिपा है एक बहुत बड़ा रहस्य, जो सदियों से पूछ रहा है एक सवाल कि इस झूलते खंबे के बीच वो मंदिर टिका कैसे है। जैसे पैरों का ये निशान भी, जिसे त्रेता युग का गवाह माना गया। पहेली पैरों का ये निशान नहीं है, बल्कि वो पानी है जो सदियों से कभी सूखा ही नहीं। पहेली ये भी कि गर्म चट्टानों के इस पड़ाव पर ये पानी यहां आता कैसे है। क्योंकि उसके स्रोत का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। जैसे नंदी की वो मूर्ति, शेषनाग की दो मूरत, लाखों बरस पहले का वो शिवलिंग, जिनकी कहानियां पुराणों और दंत कथाओं में हूबहू कैसे मिलती हैं। आप आज भी चलिए हिंदुस्तान के उस झूलते मंदिर में, विज्ञान के कुछ उलझे सिद्धांतों को समझने, आध्यात्म की कुछ अद्भुत कहानियों को देखने। एक ऐसा अनोखा धाम जहां शिव भी हैं, श्री राम भी हैं और विष्णु भी हैं। लेकिन क्यों? इसका जवाब आज भी एक पहेली है। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। क्या आप यकीन करेंगे कि हिंदुस्तान में एक ऐसा मंदिर भी है जो हवा में झूल रहा है? उस मंदिर का आधार जिस खंभे पर टिका है, वो खंभा जमीन को छुए बगैर जमीन से ऊपर हवा में तैर रहा है। आप सोचेंगे कि यह सब कोई वहम होगा, कोई अफवाह होगी या आंखों का धोखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम जिस मंदिर के रहस्य की पड़ताल करने वाले हैं, वो सदियों से वाकई एक अजूबा है। ऐसा माना जाता है कि वो मंदिर भगवान शिव की भक्ति में नृत्य कर रहा है और उसका एक पैर सदियों से नृत्य की मुद्रा में हवा में है। तो आइए देखते हैं इस अजूबे को, देखते हैं इस मंदिर की कहानी और सुलझाते हैं ये रहस्यमय पहेली। हिंदुस्तान, जिसकी हर गली इतिहास का नया गलियारा है और हर कोना चमत्कारों की एक रहस्यमय दुनिया। हम भी ऐसे ही एक अजूबे की तलाश में निकले थे, एक झूलते मंदिर का अजूबा। एक नाचते मंदिर का अजूबा, एक ऐसे खंबे का अजूबा जो पूरी इमारत का वजन समेटकर सदियों से हवा में लटका है। क्या यह कोई चमत्कार है? क्या कोई अदृश्य शक्ति जो इसे बांधे हुए है, या विज्ञान की कोई ऐसी तकनीक जो सदियों बाद भी एक पहेली है?
उसी पहेली को सुलझाने हम निकल पड़े दिल्ली से करीब 2000 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में, जहां मौजूद है एक मशहूर धाम लेपाक्षी मंदिर। दक्षिण भारत में बड़ी मान्यता है, पौराणिक कहानियों की वजह से भी और मंदिर में दिखते चमत्कारों की वजह से भी। नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता, iBIN7 पर आपका स्वागत है। क्या किसी मंदिर के नृत्य करने की कल्पना की जा सकती है? क्या कोई मंदिर नाचते नाचते अपना एक पैर हवा में उठा सकता है? कैसे कोई इमारत हवा में टिक सकती है? इन सभी सवालों का जवाब तलाशने के लिए मैं आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में आ पहुंचा हूं। ये शिल्प कला, ये मूर्तियां जैसे बहुत कुछ बताना चाहती थीं, लेकिन इस मंदिर के चमत्कारों को देखने से पहले मंदिर की कहानी को समझना भी जरूरी था। हमें पता लगा कि ये मंदिर करीब 450 साल पुराना है, जिसे विजयनगर के राजाओं ने बनवाया था। लेकिन जिस पर्वत पर यह मंदिर बना है, उस जगह का पहला जिक्र मिलता है रामायण में। कहते हैं जब रावण सीता का अपहरण करने के बाद श्रीलंका रवाना हुआ, तो पक्षीराज जटायु ने इसी जगह पर रावण का रास्ता रोका था। लक्ष्मण, 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 रुको, रुको रावण, रुको। ऐसा माना जाता है कि ये वही जगह है जहां रावण और जटायु के बीच भयंकर युद्ध हुआ, और इसी जगह पर रावण ने जटायु को घायल कर दिया था। कछुए के पीठ के आकार की पहाड़ी के ऊपर आसमान में रावण और जटायु का युद्ध हुआ। इसी पहाड़ी पर जटायु आकर गिरे और यहीं पर भगवान राम ने जटायु को कहा, लो पक्षी, यानी उठो पक्षी, अंग्रेजी में कहें गेट अप बर्ड। तभी से इस जगह का नाम पड़ गया लेपाक्षी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इस मंदिर में मौजूद एक निशान को उस कहानी का गवाह बताया जाता है। पैरों के इस निशान को लेकर कई मान्यताएं हैं। कोई कहता है ये देवी दुर्गा का पैर है, कोई इसे श्री राम के निशान मानता है, लेकिन इस मंदिर का इतिहास जानने वाले इसे सीता का पैर मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जटायु के घायल होने के बाद सीता ने जमीन पर आकर खुद अपने पैरों का यह निशान छोड़ा था, और जटायु को भरोसा दिलाया था कि जब तक भगवान राम यहां नहीं आते, यहां मौजूद पानी जटायु को जिंदगी देता रहेगा। त्रेता में रावण ने मां सीता का अपहरण किया, और अपहरण करके वो इसी रास्ते से, इसी पहाड़ के ऊपर से उनको ले जा रहा था। इसी पहाड़ के ऊपर जटायु पक्षी का युद्ध हुआ रावण के साथ। रावण की तलवार से, प्रहार से जटायु घायल हुए, और कहा जाता है इसी जगह पर वो आकर गिरे, और इसी जगह पर माता सीता पहुंची। जब वो पहुंची तो उनके पैर का निशान यहाँ पर पड़ा। उन्होंने जटायु को आशीर्वाद दिया कि जटायु तब तक प्राण नहीं छोड़ेंगे जब तक भगवान राम यहाँ पर नहीं आते, और वो पानी पीते रहेंगे, प्राण उनका बचा रहेगा, भगवान राम के हाथ से ही मोक्ष मिलेगा। तब से ही कहा जाता है ये माता सीता का जो पैर है ये हमेशा यहाँ पर पानी भरा रहता है। ये पानी यहाँ पर कहाँ से आता है, ये कहना, इस सवाल का जवाब तलाशना बेहद मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ जटायु ने श्री राम को रावण का पता बताया था। तात, आपकी ये दशा कैसे हो गई? किस पापी ने आप पर आघात किया है? तुम आ गए राम,
मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में प्राणों को रोके हुए था राम। मैं तुम्हें सीता का पता बताना चाहता था। सीता, सीता का पता कहाँ है? सीता वो उसे ले गया है। कौन ले गया है उसे? उसे पापी रावण अपने विमान में बिठाकर आकाश मार्ग से ले गया है राम। ये कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि इसकी अगली कड़ी जुड़ी है यहाँ मौजूद एक अद्भुत शिवलिंग रामलिंगेश्वर से, जिसे जटायु के अंतिम संस्कार के बाद भगवान राम ने खुद स्थापित किया था। ये मंदिर सिर्फ 400 या 500 साल पुराना नहीं है। बताया जाता है कि ये मंदिर त्रेता युग से है और तभी से मान्यता बढ़ती गई। मान्यताओं के साथ में मंदिर का आकार बढ़ता गया और बढ़ती गई श्रद्धालुओं की संख्या। ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, ये स्वयं भगवान राम ने यहाँ स्थापित किया है और भगवान राम ने कई जगह शिवलिंग की पूजा की है। ऐसे प्रसंग आते हैं और जहाँ जहाँ ये प्रसंग आते हैं वहाँ भक्तों की कतारें लगती हैं। लेकिन ये वो रहस्य हैं, ये वो कथाएँ हैं, ये वो मान्यताएँ हैं जो शायद दूर दराज तक लोगों के पास तक पहुँची या कम पहुँची हैं। आज हम इसी की पड़ताल कर रहे हैं और साथ ही धार्मिक मान्यताएं हैं उनसे आपको रूबरू करवा रहे हैं। पुजारी जी सूर्य प्रकाश जी हमारे साथ में हैं। सूर्य प्रकाश जी, ये मंदिर जो है पहाड़ पे है, ये शिवलिंग कब से है, किसने बनाया, कब से इसका इतिहास है? त्रेता युग में रावणासुर ने सीता को चुरा गए ना, तब जटायु पक्ष युद्ध करके यहाँ गिर गए। बाद में श्री राम जी ने सीता को देखने के लिए आकर उस पक्षी को देख के मोक्ष दिया है, लय पक्षी करके। वो लय पक्षी जाके लेपाक्षी करके गांव का नाम आ गया है। वो पक्षी मरने के बाद में श्री राम जी ने उसको दहन संस्कार करके एक लिंग प्रतिष्ठा किया है। ये लिंग रामलिंगेश्वर कहते हैं, श्री राम जी का प्रतिष्ठा है त्रेता युग में। यानी ये कई हजारों साल पुराना है शिवलिंग। ये शिवलिंग है त्रेता युग में 4 लाख वर्षों से है। तो एएसआई जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो मानता है कि इतना पुराना है? हाँ, मानता है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले मानता है। पास में ही एक और शिवलिंग है हनुमानलिंगेश्वर। हमें बताया गया कि श्री राम के बाद महाबली हनुमान ने भी यहाँ भगवान शिव की स्थापना की थी। जब भगवान राम ने यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया तो हनुमान जी ने भी यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की। हनुमान जो भगवान शिव के ही रुद्र अवतार हैं, हनुमान जो भगवान राम के भक्त हैं, धार्मिक मान्यताएं भी बहुत हैं। पंडित जी ये बताइए कि कब से है ये और क्या एएसआई से मानता है? श्री राम जी ने प्रतिष्ठा करने के बाद में हनुमान जी ने एक लिंग प्रतिष्ठा किया है, वो जटायु पक्षी नापकार्थ के लिए ये लिंग प्रतिष्ठा किया है, हनुमलिंगेश्वर कहते हैं। ये कितना पुराना है? ये 4 लाख बरस से है। ये जो संरचना है ये 4 लाख साल से है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मानता है इस चीज़। हाँ, मानता है। अब बारी थी इस मंदिर के सबसे बड़े रहस्य को देखने की, यानी लेपाक्षी मंदिर के नृत्य मंडप को देखने की। यानी उस पहेली को बूझने की जो हवा में लटके एक खंबे के साथ सदियों से कायम है। सवाल कई थे कि आखिर वो नृत्य मंडप बनाया क्यों गया। मंडप का भगवान शिव से क्या रिश्ता है, और अगर वाकई इस मंदिर का बोझ उस हवा में झूलते खंबे पर है तो फिर ये मंदिर जमीन पर टिका कैसे है? हम आगे बढ़ ही रहे थे कि हमारी नजर नंदी की एक विशालकाय मूर्ति पर पड़ी। 27 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी ये प्रतिमा। चंद कदमों के फासले पर हमें एक और अजूबा दिखाई दिया, शेषनाग की एक अनोखी प्रतिमा।
में बताया गया कि करीब 450 साल पहले ये मूर्ति एक स्थानीय शिल्पकार ने बनाई थी और इसे बनाए जाने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। लिपाक्षी मंदिर में कला के ऐसे नमूने हैं जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। ये शेषनाग है। ये मूर्ति अलग अलग जोड़कर नहीं बनाई गई बल्कि एक पूरे चट्टान को काट कर ये शेषनाग बनाए गए हैं। कहा जाता है जब यहाँ मंदिर में काम चल रहा था तब उस वक्त कोई कारीगर अपने किसी काम से नीचे गांव में गया था। वापस जब वो ऊपर आया उसे भूख लगी थी, अपनी माँ को कहा खाना बना दीजिए। माँ ने कहा कुछ वक्त इंतजार करना होगा। कलाकार को लगा कि जितनी देर में खाना बनेगा मैं उतनी देर में एक मूर्ति तैयार कर दूँ। जितनी देर में खाना पका उतनी ही देर में उस कलाकार ने इस चट्टान को काट कर शेषनाग बना दिए। जब उनकी माँ बाहर आई, उनकी माँ ने इतनी सुंदर शेषनाग की मूर्ति को देखा जहाँ चट्टान हुआ करती थी, तो कहते हैं कि उस माँ की ही नज़र लग गई और उस नज़र लगने के कारण शेषनाग की इस प्रतिमा में जगह जगह दरार आ गई। दरार आने के बाद उस कलाकार को बहुत दुख हुआ कि इतनी मेहनत से मूर्ति बनाई और इसमें दरार आ गई, अब कोई इसकी पूजा नहीं करेगा। लेकिन तभी माँ ने कहा कि शेषनाग पर एक शिवलिंग को विराजमान कर दो। उसके बाद उस समय से आज तक हर कोई न सिर्फ इस अनूठी कला के दर्शन के लिए यहाँ पर आता है, इसकी पूजा अर्चना के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं। नंदी और शेषनाग का एक साथ एक जगह पर होना ये इशारा था कि मंदिर के भीतर महादेव और भगवान विष्णु से जुड़ी कोई अद्भुत कहानी हमारा इंतजार कर रही है। वेलकम बैक। आज हम आपको दिखा रहे हैं देश के सबसे रहस्यमय मंदिर की कहानी। एक ऐसा मंदिर जो सदियों से हवा में झूल रहा है। इस मंदिर में खंभा है जिस पर पूरी इमारत का वजन टिका हुआ है, लेकिन रहस्य यह है कि यह खंभा हवा में कैसे झूल रहा है, इसका जमीन से कोई ताल्लुक कैसे नहीं है। क्या वाकई ये मुमकिन है या ये कोई चमत्कार है या फिर इसके पीछे विज्ञान की कोई पहेली है, क्या है ये रहस्य, आइए पड़ताल करते हैं। दा 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 दिन्ना दा। दा 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 दिन्ना दा। दा, दा 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 दिन्ना दा। जिस इमारत का एक खंभा हवा में झूलता हो जिसके इस पार से उस पार तक सब कुछ साफ साफ दिखाई देता हो, उस इमारत का सदियों से यूं ही खड़े रहना किसी अजूबे से कम नहीं। विज्ञान और धर्म के बीच उलझा वो अजीब सा रहस्य छिपा है आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर में। मंदिर के बीचों बीच मौजूद एक नृत्य मंडप, दा दा दिन्ना दा। इसका मतलब क्या है और इसकी कहानी क्या है, ये देखने से पहले यहां मौजूद उस रहस्य को समझिए। इस मंडप पर कुल 70 पिलर यानी खंभे मौजूद हैं। जिनमें से 69 खंभे वैसे ही हैं जैसे होने चाहिए, मगर एक खंभा दूसरों से एकदम अलग है। वो इसलिए क्योंकि ये खंभा हवा में है। यानी इमारत की छत से जुड़ा है लेकिन जमीन के कुछ सेंटीमीटर पहले ही खत्म हो जाता है। बदलते वक्त के साथ ये अजूबा एक मान्यता बन चुका है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इंसान खंभे के इस पार से उस पार तक कोई कपड़ा ले जाए तो उसकी मुराद पूरी हो जाती है।
ये है लेपाक्षी मंदिर का हैंगिंग पिलर। इस पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी रिसर्च कर रहा है। 1902 में ब्रिटिश इंजीनियर हैमिल्टन भी इस पर रिसर्च कर चुका है। कहा जाता है सन 1538 में इस जब मंदिर को बनाया गया तो नाट्य मंडप बनाया गया और एक पिलर को हवा में लटकता हुआ छोड़ दिया गया। और ये देखिए ज़मीन से कितना ये ऊपर उठा हुआ है, इतनी उंगलियाँ तो अंदर जा रही हैं। और अगर कपड़ा हम दिखाएं पूरा अंदर चला हुआ। ये देखिए कितना ये लंबा ये कपड़ा है, इतना लंबा ये, और इस पिलर के नीचे निकल जाता है। लेकिन हमारी दिलचस्पी इस मान्यता में नहीं, हवा में झूलते उस खंबे के रहस्य पर थी। हमें लगा कि शायद मंदिर की इमारत का वजन बाकी के 69 खंबों पर होगा, इसलिए एक खंबे के हवा में झूलने से कोई फर्क न पड़ता हो। लेकिन हमें बताया गया कि अंग्रेजी हुकूमत के दौर में कुछ यही थ्योरी एक ब्रिटिश इंजीनियर हैमिल्टन ने भी दी थी। कहा जाता है कि 1902 में उस ब्रिटिश इंजीनियर ने मंदिर के रहस्य को सुलझाने की तमाम कोशिशें की। इमारत का आधार किस खंबे पर है ये जांचने के लिए उस इंजीनियर ने हवा में झूलते खंबे पर हथौड़े से वार किए। यहाँ पे चलाते ही हथौड़ा ये पिलर टेढ़ा हो गया और यहाँ जमीन से आके टिक गया। पहले कहा जाता है कि ये पूरा हवा में था और हैमिल्टन के उस हथौड़े के बाद ये पिलर सुई भर बराबर जमीन से टच होने लगा। इस मंदिर के रहस्य के सामने ब्रिटिश इंजीनियर के वैज्ञानिक तर्क भी बेमानी साबित हुए, क्योंकि इस खंबे पर हुए वार से करीब 25 फीट की दूरी पर मौजूद कुछ दूसरे खंबों पर दरारें आ गईं। ब्रिटेन से आए उस इंजीनियर ने जब इसकी ग्रेविटी को समझने के लिए, इस वास्तु को समझने के लिए इस पर एक और हथौड़ा चलाया तो उसका असर न सिर्फ इस पिलर पर बल्कि इस पूरी इमारत पर देखने को मिला और वहाँ दूसरे छोर पर टूट फूट हो गई। अगर हम दूरी देखें, इस पिलर पर एक हथौड़ा चलाया गया, कितनी दूरी पर उसका असर हुआ हम कदम से अगर नापने की कोशिश करें, और इतना लंबा कदम हो अगर लगभग 1.5 फीट के गैप में, तो आइए नापते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 27, 28, 29, 30 लगभग 30 कदम की दूरी पर यहाँ पर देखिए जैसे डिज़ाइन हर तरफ मिलते हैं ये इस पिलर पर। यहाँ स्क्रीन के अगर आप दाहिनी तरफ देखें तो वो टूटी हुई है, इसका एक डिज़ाइन पूरा टूट कर हिस्सा वो नीचे गिर गया। यानी उस इंजीनियर ने ये माना कि पूरा के पूरा जो नृत्य मंडप है उसका ग्रेविटी, उसका वजन, उसका आधार उसी हैंगिंग पिलर ने संभाल रखा है, जो हैंगिंग पिलर हवा में है। यानी ये साफ हो गया कि इमारत का सारा वजन यानी इमारत का आधार इसी खंबे पर टिका है, जिसे छेड़ने से पूरी इमारत धराशायी हो सकती है। लिहाजा वो इंजीनियर भी इन्हीं सवालों के साथ लौट गया कि आखिर हवा में झूलते खंबों के सहारे कोई इमारत कैसे खड़ी रह सकती है। सवालों की इस अजीब सी उलझन के बीच इस नृत्य मंडप की एक कहानी ने हमें और उलझा दिया, क्योंकि वो कहानी जुड़ी थी सतयुग की एक पौराणिक कथा से, जब माता सती अग्निकुंड में भस्म हुई थी। अपने पति के अनुमति के बिना पिता के घर आकर मुझसे उनका अपमान हुआ, मैं इसी क्षण इस शरीर को अग्नि में समर्पित करके सती के वियोग में महादेव का गुस्सा फूट पड़ा और ये धरती शिव के तांडव से हिल उठी। इस गुस्से में शिव ने अपनी जटाएं जमीन पर पटकी और सामने आया शिव का रौद्र रूप यानी वीरभद्र अवतार।
धाम में मौजूद इस स्वयंभू शिवलिंग को ही शिव का रौद्र अवतार यानी वीरभद्र अवतार माना जाता है। 15वीं शताब्दी तक ये शिवलिंग खुले आसमान के नीचे विराजमान था, लेकिन विजयनगर रियासत में इस मंदिर का निर्माण शुरू किया गया, वो भी एक अद्भुत चमत्कार के बाद। पहले वहां स्वामी पैदा हुआ था, वह देखकर वीरूपण्णा ने 1538 में मेरा भगवान करके स्वामी जी को प्रतिष्ठा किया है। वीरूपण्णा को दो पुत्र थे, एक पुत्र को बात नहीं आते थे, तब वो स्वामी को प्रार्थना करने के बाद में उसको बात आ गया है। बाद में हमारा भगवान करके स्वामी जी को प्रतिष्ठा करके वीरभद्र स्वामी जी को बाद में ये पूरा मंदिर बनाया वीरूपण्णा ने विजयनगर साम्राज्य काल में। तब आर्थिक मंत्री थे वीरूपण्णा 1538 में। शिल्पकला के इस हैरत अंगेज नमूने का सबसे रहस्यमय हिस्सा था नृत्य मंडप। हालांकि कुछ लोग इस मंडप को शिव और पार्वती के विवाह से भी जोड़ते हैं, क्योंकि पौराणिक कथाओं के मुताबिक महादेव और पार्वती का विवाह इसी जगह पर हुआ था। यही वजह है कि विजयनगर के राजाओं ने इस मंदिर में एक विवाह मंडप तैयार किया और इसे कुछ ऐसा रूप दिया जैसे अप्सराओं समेत तमाम देवी देवता यहाँ नृत्य कर रहे हो। ये नाट्य मंदिर में यहाँ रंभा नाट्य करती है। आप सिनेमा में देखते ना, सब अलंकार पुराने जमाने में थे। दत्तात्रेय स्वामी जी ताड़ बजाते हैं, शिव जी ने नाट्य के लिए प्रारंभ किया है, पार्वती ने सब देखती है। यहाँ सूर्य भगवान और तुम्बू जी घोड़ा का सिर है, उन्हें संगीत विद्वान है। यहाँ रिटेश्वर, यहाँ नंदीश्वर, यहाँ पंचमुख ब्रह्म है, यहाँ नटराज, यहाँ चांद है, यहाँ सनातन महर्षि, ये पूरा नाट्य मंदिर। 15वीं शताब्दी में ही शिल्प कला की कुछ ऐसी नुमाइश हुई कि सदियों बाद भी विज्ञान को उस कला का जवाब नहीं मिला। महादेव की भक्ति में आज भी मंडप का वो खंबा नटराज रूप में अपना पैर उठाए नृत्य कर रहा है, लेकिन कैसे, इसका जवाब आज भी एक सवाल है। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में लेपाक्षी मंदिर की। ये बेंगलुरु से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है और हैदराबाद से 450 किलोमीटर दूर। इससे पहले तक आपको इस अद्भुत धाम की जानकारी शायद न रही हो, लेकिन जब हमारी टीम पड़ताल के लिए मंदिर के अंदर पहुंची तो हमें एक ऐसी कहानी पता लगी जिसका पुराणों में हूबहू जिक्र मिलता है। क्या है ये कहानी, आइए अब आपको दिखाते हैं। लेपाक्षी मंदिर का एक हिस्सा है लग्न मंडप, जो कभी पूरा नहीं हो पाया, लेकिन लग्न मंडप के जो खंबे हैं उन खंबों पे जो डिजाइन है वो डिजाइन आज भी लेपाक्षी साड़ियों की फैशन डिजाइनिंग का जन्म का स्थान माना जाता है। लेपाक्षी साड़ियों पर जो डिजाइनिंग होती है, जो प्रिंटिंग होती है, वो इन्हीं लेपाक्षी डिजाइन से प्रेरित है। जिन कलाकारों ने अपनी कला से इस पूरे मंदिर को जीवंत बना दिया, वो कलाकार अपनी ही कला के भेंट चढ़ गए। राजा का खजाना पूरी तरह से खाली हो गया और राजा ने एक सजा सुनाई, जिस सजा की तामील उन कलाकारों ने खुद ही करी। विजयनगर की सत्ता बदली तो इस शिल्पकारी के कदरदार भी बदल गए। नए राजाओं ने मंदिर का निर्माण करने वाले वीरूपन्ना की आंख निकालने का फरमान जारी किया। अपनी कला पर गर्व के साथ वीरूपन्ना ने राजा का हुक्म माना और खुद ही अपनी आंखें कुर्बान कर दी। कहा जाता है कि मंदिर की चट्टानों पर वीरूपन्ना की आंखों और खून के निशान आज भी मौजूद हैं। 1914 में कुछ अंग्रेज अधिकारियों को इन कहानियों पर यकीन नहीं हुआ, उन्होंने इन धब्बों की जांच करवाई और फिर उन्हें भी यकीन हुआ कि सदियों बाद भी जो निशान कायम है वो इंसानी खून के ही हैं। 1914 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा टेस्ट करके वो खून करके निर्धारित किया। हमें इस मंदिर से जुड़ी एक और कहानी भी बताई गई,
जो जुड़ी है युगों पहले वैष्णव और शैव संप्रदाय से। वैष्णव यानी विष्णु के भक्त, और शैव यानी शिव के भक्त, जिनके बीच सदियों तक सर्वश्रेष्ठ होने की तनातनी जारी रही। इस तकरार को रोकने के लिए अगस्त मुनि ने इसी जगह पर तपस्या की और अपने करिश्मे से इस बहस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अगस्त मुनि ने इसी जगह पर साबित किया कि विष्णु और शिव एक दूसरे के पूरक हैं। अगस्त्य महामुनि ने 5000 साल के पीछे यहाँ तपस करके बाद में शंकर जी विष्णु जी को प्रतिष्ठा किया है, लेकिन शंकर जी का पीठ के ऊपर विष्णु भगवान है, विष्णु जी का पीठ के ऊपर शंकर भगवान है, पापनाशेश्वर शिवलिंग यानी शिव का वो रूप जो भगवान विष्णु की पीठ पर विराजमान है। पास ही में विष्णु का एक अद्भुत रूप है रघुनाथेश्वर, यानी जहां विष्णु भगवान शंकर की पीठ पर आसन सजाए हुए हैं। महाविष्णु रघुनाथ स्वामी को प्रतिष्ठा किया है अगस्त्य महामुनि 5000 साल के पीछे, ये शिवजी का पीठ के ऊपर प्रतिष्ठा किया है विष्णु भगवान रघुनाथ स्वामी करके। जो कहानियां कई सबूतों के साथ आज भी इन पहाड़ों पर जिंदा हैं, उनके चर्चे उत्तर भारत में कम ही सुनाई देते हैं, लेकिन आज आईबीएन 7 पुराणों की उन कहानियों को पहली बार आपके सामने लाया। यह मंदिर कला और विज्ञान की गवाही दे रहा है, जो कहता है कि वो कारीगर चित्रकार भी रहे होंगे जिन्होंने विजयनगरम कला को मंदिर की दरो दीवार पर उतार डाला। वो कारीगर मूर्तिकार भी रहे होंगे जिन्होंने अपनी छेनी और हथौड़ी के कमाल से मूर्तियों को जीवंत बना डाला। वो कारीगर कलाकार भी रहे होंगे जिन्होंने नृत्य करते मंदिर की कल्पना को हकीकत में बना डाला। लपाक्षी मंदिर में आने के बाद कलाकार की कल्पना कमाल लगती है और यही कमाल विज्ञान को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है। लटकते हुए खंबे के राज को समझने की हर कोशिश अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है।